चेहरे पर लगे पर नीचे I rip my slit. Ready? Yeah. अभी तो बस दो तीन दिन बचे हैं तो नर्वसनेस भी होगी तो उसको कुछ फायदा नहीं है.
अभी इंटरवल होने वाला है, आई एम वेटिंग टू सी कि लोग क्या कहते हैं फिल्म के बारे में. कल स्क्रीनिंग हुई थी, उसमें लोगों को बहुत पसंद आई और सच में बहुत खूबसूरत फिल्म है, तो मैं चाहती हूँ कि अपने बल पे फिल्म चले. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं कल ही देखी थी फिल्म के लिए, मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ. मैंने कल ही देखी थी फिल्म और पहली बार देखी थी इंडिया कट और मुझे काफ़ी पसंद आई. सिर्फ अपने लिए नहीं, आप भी देखेंगे तो शायद यही कहेंगे होपफुली. और जितने भी दर्शक कल थे उनको भी पसंद आई. तो जैसे जैसे स्क्रीनिंग्स का रिस्पांस आता जा रहा है, हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं. नहीं बस, मैं अपनी तारीफ क्यों करूँ. बस आपके मुंह में घी शक्कर. बस हम तो चाहेंगे कि इंडिया से कोई बहुत बेहतरीन फिल्म ही ऑस्कर्स तक जाए, क्योंकि पिछले साल भी थोड़ा डिबेट हुआ था और हर साल कुछ ना कुछ होता है ऑस्कर की एंट्री को लेकर. आई रियली होप कि कोई खूबसूरत बेहतरीन हिंदुस्तानी फिल्म ऑस्कर तक जाए और कुछ एक नाम आके. ओके, थैंक यू, थैंक यू. एक्साइटेड बहुत ज्यादा है. नर्वस कल तक तो नहीं थे, लेकिन आई थिंक कल तक जरूर हो जाएंगे. पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत एक्साइटेड है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि लोगों को कैसी लगेगी. अच्छा, बॉलीवुड की तरफ से क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले भी बॉलीवुड की तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट है एंड स्पेशली क्योंकि हम न्यू कमर्स हैं, तो हमारे लिए ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. कल हमने देखी कुछ स्टार्स के साथ, कुछ सेलिब्रिटीज के साथ एंड उनको बहुत बहुत उनकी मुस्कुराहट से तो ऐसे ही लगा कि बहुत पसंद है उन्हें. ये रहे हमारे बिगेस्ट स्टार. इतनी बड़ी आशा है, हो जाए बहुत अच्छा है. अभी हमारी कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा हो, आई होप भाई हो. बट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ के लोग हमारी फिल्म को कैसे सराहते हैं. वी रियली होप कि थैंक यू सर. संजय सर.